जम्मू कश्मीर की सियासत में एक महत्वपूर्ण शख्सियत है जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस और उसके नेता सज्जाद लोन। सज्जाद लोन और उनकी पार्टी के इस चुनाव में उतनी चर्चा नहीं है जितनी नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, बीजेपी और इनफैक्ट इंजीनियर रशीद की जितनी चर्चा हो रही है उतनी सज्जाद लोन की चर्चा नहीं हो रही है। लेकिन समय समय पर सज्जाद लोन महत्वपूर्ण प्लेयर के रूप में जम्मू कश्मीर की राजनीति में उभरते रहे हैं और जम्मू कश्मीर की जिस तरह की राजनीति है उसमें आप ये भरोसे से नहीं कह सकते कि कब कौन शख्स बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा, कब कौन बैकड्रॉप में चला जाएगा। तो उस लिहाज से भी सज्जाद लोन एक महत्वपूर्ण राजनीतिक शख्सियत है यहाँ की राजनीति में। उत्तर का जो हिस्सा है जम्मू कश्मीर का, जिसको नॉर्थ कश्मीर कहते हैं, उसमें उनकी खासी पकड़ है। अतीत में उनके फादर अब्दुल गनी लोन एक बड़े नेता थे, सेपरेटिस्ट लीडर थे, ऑल पार्टी हुरियत कॉन्फ्रेंस जो थी उसके फाउंडिंग मेंबर थे। और शुरुआत का जो समय है जब एक्टिव पॉलिटिक्स में सज्जाद लोन ने एंट्री की थी तब भी वो इसी तरह की एक सेपरेटिस्ट विचारधारा से ही ताल्लुक़ रखते थे और फिर बाद में उन्होंने मेनस्ट्रीम पॉलिटिक्स में एंटर किया। आप लोगों को पता है कि उनके पिता सज्जाद अब्दुल गनी लोन की हत्या कर दी गई, उसमें ये आरोप लगा कि पाकिस्तानी, खुद सज्जाद लोन ने भी इस बात को अलग अलग मौक़ों पर कहा कि पाकिस्तानी आतंकवादियों ने उनके पिता की हत्या की थी। आज हम उनसे बातचीत करेंगे। उनके इलाके में सज्जाद लोन दो विधानसभा सीटें हैं, हंदवाड़ा और कुपवाड़ा दोनों जगह से चुनाव लड़ रहे हैं। करीब 20 ऐसी सीटें हैं नॉर्थ कश्मीर की जिसमें पीपल्स कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। आज हम सज्जाद लोन से विस्तार से उनके चुनावी संभावनाओं के ऊपर, आने वाली विधानसभा के ऊपर, 370 के बाद पैदा हुई स्थितियों के ऊपर बातचीत करने जा रहे हैं। आइए हमारे साथ। 370 के वापस होने की कोई सूरत तो हाल दिख नहीं रही है अब, और मुझे नहीं लगता कि किसी पॉलिटिकल पार्टी में इतना विल है, सेंटर की बात में करूं, जो 370 की को वापस लाने की बात कर सके। तब फिर आवर होप्स आर पिन ऑन द फ्यूचर जनरेशंस वन डे, बिकॉज़ इट्स नॉट एन एंटी नेशनल थिंग टू सीक स्टेटहुड। बिल्कुल, तो शर्म भी आती है बोलते हुए, एकदम फील होता है, वर्ड यूटी यूज करते करते एकदम बड़ा ह्यूमिलेट होता है आदमी। आप लोग, मैंने से आप लोग मीन्स द मेजॉरिटी, यू डोंट वोट फॉर योर डे टू डे इश्यूज। यूसी की कश्मीरी को मारता कौन है? अच्छा, उसी को वोट देते हैं, वो जितना मारे यहाँ वोट ज्यादा देते हैं। इफ यू बिकम द फॉर्डर फॉर वोटिंग इंटेंशंस इन द रेस्ट ऑफ द कंट्री, इट्स अ वेरी डेंजरस सिचुएशन। यू फाइंड प्रॉब्लम इन जमात, बट यू डोंट फाइंड प्रॉब्लम इन दोज हु रिग्ड 87। मेरे पास सबसे यही सवाल होता है, आपसे भी एक थोड़ा समझना चाह रहा हूँ मैं, कि इलेक्शन की रिगिंग हिंदुस्तान में एक बड़ा लंबे समय तक हो रहा है, यूपी बिहार में देखा बैलेट खत्म हो गया था भाई, खत्म हो गया 87 में, कहा नहीं नहीं इतना तो कहीं नहीं हो रही, बिहार में मर्डर हुए, मर्डर हुए वो अलग बात। फादर आपके ऑल पार्टी हुरियत कॉन्फ्रेंस के फाउंडर मेंबर्स में थे, फिर आपने चूंकि एक पॉलिटिक्स की जिसमें वो सेपरेटिज्म की पॉलिटिक्स थी, वो क्या वाकया या कोई ऐसा इशू रहा जहां से आपको लगा कि आपको मेनस्ट्रीम पॉलिटिक्स करनी चाहिए? मेरा अपना बिलीफ ये है दैट बिटवीन एवरीथिंग एंड नथिंग देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ समथिंग, और वो आपको इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से मिल सकता है। सो दिस आई ऑलवेज थॉट कि अगर हम दूर रहें तो उससे बंदा डिसएम्पावर होता है, आपके वो फोर्सेज आते हैं, बिकॉज डेमोक्रेसी है और जो इंस्टीट्यूशंस हैं डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन, स्कूल्स, मेडिसिन, अपना मेडिकल, रोड्स, everything is dependent on the mainstream politics, so you can't। चुनावी गहमा गहमी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात हो रही है, पीडीपी की बात हो रही है, बीजेपी कांग्रेस भी है उसमें, और एक नए खिलाड़ी की बात हो रही है उसमें, आवामी इत्तेहाद पार्टी के इंजीनियर रशीद साहब है। उस लिहाज से देखें तो पीपल्स कॉन्फ्रेंस इस पूरे कॉन्टेक्स्ट में नजर नहीं आ रही है बहुत एक्टिव तरीके से। मुझे नहीं लगता चर्चा तो यहाँ तो इस डिस्ट्रिक्ट में, तो नॉर्थ में तो हमारी ही चर्चा है। अब अगर आप साउथ बोलें तो आपने अपने ट्विटर बायो में लिख रखा है म्यूटेड बाईस्टैंडर, ये आपके अंदर ये फीलिंग किस तरह की है, क्यों आई ऐसा लिखने की जरूरत क्यों, ये सरकाज़म है? अपनी ही जगह में, अपनी ही जमीन पर हम एलियंस बन गए, हमने बचपन से ये देखा, स्टेट सेपरेशन तो हमने बचपन से देखा। आपने अपने खुद आपका अपना, अरे बहुत देखा है, बहुत ज्यादा देखा है। और आपने कभी, मैंने टॉर्चर देखा है, आई वॉज ऑन द वर्ज ऑफ गेटिंग किल्ड वंस। बीजेपी ने आप में उम्मीद देखी वो अलग बात है कि वो, आप मेरी बात सुनिए, अब आप आए मुझे पूछा, हालांकि मुझे अच्छा नहीं लगता बोल बोल बोलना, रोज रोज बोलना। आप उमर अब्दुल्ला को पूछने जाएंगे, 1,000,000% आई नो यू विल नॉट आस्क हिम अबाउट हिज फॉरेन मिनिस्ट्री डेज, दे वर मच मोर इम्पोर्टेंट, मिलियन टाइम्स इम्पोर्टेंट। वो तब दौर था जब यहाँ दिन में 10 या 20 लोग मारे जाते थे और जस्टिफाई करना पड़ता था उसको इन फ्रंट ऑफ इंटरनेशनल कम्युनिटी कि ये गुनहगार थे।
जब इट वॉज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बाबरी मस्जिद दैट ही सैट विद देम, द फर्स्ट टू मुस्लिम्स, प्रोमिनेंट मुस्लिम्स टू अलाय विद बीजेपी आफ्टर बाबरी मस्जिद व्हेन दे वर सीन एज अनटचेबल्स बाय मुस्लिम्स। बात बीजेपी की आती है, देखिए नहीं लेट अस स्टॉप दिला, आप करिए। आपने भी एक बार उनसे उनके साथ काम किया है, पीडीपी ने भी काम किया है, आप भी एक समय पर उनके साथ जुड़े। बात ये नहीं, बात ये आती है कि बार बार बीजेपी के इर्द गिर्द जाने की बजाय क्या दिक्कत दिल्ली के इर्द गिर्द जाने में नहीं है? आपके ऊपर एक तमगा सा चिपक गया कि आपने कहा कि मोदी जी मेरे बड़े भाई जैसे हैं। तब दो सीटें ली हमने, पहले एक भी नहीं ली थी, मुझे कोई नुकसान नहीं हुआ। बस ये रिपीटिशन जो है, इट इज मीडिया एंड दीस पीपल, एज आई टोल्ड यू माय प्रॉब्लम। मीडिया को छोड़ भी दें तो हम देख रहे थे रशीद भी वही बात दोहराते हैं। रशीद तो खुद बेचारे को लगता है कि यहाँ पर वो प्रॉग्मेटिक, वो रीजनेबल पॉलिटिशियन बन पाना मुश्किल है। सज्जाद लोन उसकी कीमत चुका रहे हैं। यू प्रॉब्ली हैव बीन मीटिंग द रॉन्ग पीपल, लेट द रिजल्ट्स कम आउट, आई एम हैप्पी एंड ओके। इन कश्मीर इट डिपेंड्स वेयर यू वर, यू एट द लास्ट कप ऑफ टी, सो वी नो आप किससे मिले होंगे। आई कैन गिव यू योर नेम्स किस किससे मिले। So that, don't forget about that. They got it wrong last time in parliament.